बिहार शिक्षक भर्ती एक और बड़ी भर्ती की तैयारी कर रहा है। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार फिर से 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती लेके आ रहा है। अभी आपने देखा कि 1,70,000 पदों पर जो विज्ञप्ति की गई थी उसमें लगभग 1,22,000 पद भरे गए। उसके साथ ही दूसरी विज्ञप्ति की बात कर रहा जो इस महीने के मतलब अक्टूबर के अंतिम और नवंबर के प्रथम सप्ताह में आपको देखने को मिल सकती है। ये जो भर्तियां हैं इसमें और बढ़े हुए पद भी देखने को मिल सकते हैं। दो कैस लगाए जा रहे हैं। अगर जो 1,72,000 पदों में शेष पद है उनके लिए मेरिट डाउन करके अन्य मेधा सूची जारी की जाए, जिससे जिनके कम अंक रह गए थे उनका भी सिलेक्शन हो जाए, तो ये 1,20,000 पद पर रहेगी। लेकिन अगर वहां पर ये करते हैं मेधा सूची ज्यों के त्यों रह देते हैं, तो ये 1,20,000 जो पद है फिर से ये 1,70,000 पद हो जाएगी। तो आपको यहाँ बड़ा मौका मिल सकता है। सवाल ये उठ रहा है, क्या इस आने वाली भर्ती में BTCA डीलर के भर्ती योग्य रहेंगे? जी हाँ, जो भर्ती 6 से लेकर 8 तक जो लगभग 32,000 पदों पर होने जा रही है उसमें BTCA और BEd या DLED और BEd के भर्ती दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको जूनियर का सीटेट पास होना अनिवार्य है। अगर आप BTCA या BEd है, जूनियर का सीटेट पास है, तो 6 से लेकर 8 तक जो 32,000 पद है उसमें आप दोनों आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है जिसे हम कहते हैं TGT और PGT, उसके लिए केवल केवल जो योग्य भर्ती होंगे वो BEd के भर्ती योग्य होंगे, जो वहां का यस्टर दिया होगा। तो मतलब जिन्होंने यस्टर दिया है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक भर्ती देख पाएंगे। जिन्होंने सीटेट जूनियर पास किया होगा वे जूनियर 6 से 8 तक की बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। यहां पर आपके सामने एक चार्ट है और ये चार्ट आपको बहुत कुछ बताएगा, बहुत कुछ समझाएगा कि BPSC को मिली जिम्मेदारी अक्टूबर के अंतिम में नवंबर सप्ताह में निकल सकती विज्ञापन, माने इस माह के अंत माने अक्टूबर के अंत और नवंबर के पहले महीना में विज्ञापन जारी हो सकती है। और ये विज्ञापन जो है आपके लिए कई रास्ते खोलने जा रही है, खासकर भर्ती की सिलेक्शन की। यहाँ पर बात करें कि शिक्षकों की नियुक्ति दूसरे चरण में 1,20,000 रिक्तियां आएंगी, माने शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ये दूसरा चरण है। इन चरणों की बात करें तो देखिए अभी लगातार आपने देखा कि बीते दिनों में बिहार शिक्षक भर्ती फेज फर्स्ट में जो 7वां चरण था उसमें लगातार सभी के रिजल्ट आउट हो गए हैं और अब उसकी DV भी शुरू हो चुकी है। उसकी DV की डेट जो थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर पिछले वीडियो में मेंशन करके बता दिया था। 70,000 बढ़ जाएंगे पद, जल्द भेजेंगे दियाचंद, ये भी कहा जा रहा है कि 70,000 पद बढ़ सकते हैं अगर मेरिट डाउन करके मेरिट कम करके अगर फिर से भर्ती की जाएगी। अगर मेरिट कर कम कर दे मैं सोची तो 1,20,000 पद पर होगी। अगर ऐसा निर्णय नहीं होता तो फिर से 1,20,000 पदों पर होगी। लेकिन अभी तक जो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि मेधा सूची डाउन किया जाएगा और उन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिन अभ्यर्थियों के कुछ अंकों से सिलेक्शन रुक गया है, जिन अभ्यर्थियों के कुछ अंक से सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो अगर जो 31,922 पद है, देखिए 31,982 पद है, इन पदों पर ये 6 से लेकर 8 तक मतलब इस भर्ती में दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। खासकर ध्यान दीजिएगा BTCA और BEd के अभ्यर्थी या DLED और BEd के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। लेकिन फिर से मैं बताऊंगा उनके लिए शर्त यह है कि जूनियर का सीटेट पास होना उनके लिए अनिवार्य है और अगर जूनियर का सीटेट पास है तो वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी ने अगर स्टेट दिया है तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें भी पदों के आधार पर क्या है, जैसे सोशल है, भाषा है, गणित विज्ञान है, इन सभी की तैयारी कर सकते हैं और इन सभी की लर्निंग विद दुर्गेश पर नोट्स मिला। जिनका सिलेक्शन जिनका चयन हो गया उनको मेरी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो कुछ और चीजें आपके सामने आएंगी। काउंसलिंग में भी देरी हो रही है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। प्राथमिक शिक्षक में हिंदी माध्यम में 62,653 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ। मैंने अगर हम बात करें प्राथमिक में जो PRT फेज फर्स्ट हुआ, मतलब यूं कह सकते हैं 7वां चरण जो BPSC ने कराया, बिहार लोक सेवा आयोग ने कराया है, उसमें 62,653 लोग जो नियुक्ति हुई है वो हिंदी माध्यम से हुए। बाकी भाषा था, बंगला था, उर्दू था, तो यहाँ पर हम क्रमवार रूप से उनके देख पाएंगे। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया। इसमें से 72,419 लोग की ही नियुक्ति हो पाई है। लगभग 8,000 पद खाली, मतलब 10% पद रिक्त, इससे ज्यादा भी पद रिक्त हो सकते हैं जैसे जिनके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होगी। तो ऐसे भी लोग हैं जो इस सूची से बाहर होंगे और मेधा सूची डाउन हो सकती है और नहीं तो फिर से नई भर्ती के रूप में आएगा। एक सवाल है कि फिर से इन आने वाली फेज 2 में PRT के भी पद हो सकते हैं। जहां तक बिहार लोक सेवा आयोग का रुख है, एक स्पष्ट है कि कुछ पद पर फिर से BPSC
प्राथमिक भर्ती कर सकती है। तो ये बिहार के लिए एक खुशखबरी, बिहार के अन्य राज्य के जो बाहर के राज्य हैं उन अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज है। अगर आप सीटेड पास हैं और अपनी तैयारी कर रहे थे तो अपनी जान लगा दीजिए, क्योंकि वहां पर फिर से पीआरटी भी देखने को मिल सकती है। इसलिए अपनी रेस को जारी रखिएगा जो भी अभ्यर्थी सीटेड पास है, और सीटेड अपेयरिंग भी यहाँ पे मान्य है। अगर अभी तक आप सीटेड पास नहीं है तो आपके लिए एक और बढ़िया मौका है, एक बेहतर मौका है कुछ बड़ा और बेहतर करने का। बच्ची रिक्तियां जुड़ेंगी, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बच्ची रिक्तियां जुड़ेंगी। कह रहा है कि सरकार की ओर से पहले 70,000 पद निकाले गए, जिसमें इस मध्य में 31,982 माध्यमिक के, 18,800 उच्च माध्यमिक के, 18,830 रिक्तियां। तो यहां पर यह भी बात साफ है कि जो बची रिक्तियां हैं वो जुड़ेंगी या अलग से निकलेंगी, यह पूरा रूप जो है माननीय सरकार स्पष्ट करेगी। मतलब ये आपको ध्यान रखना होगा, यह जो आने वाली भर्तियां हैं ये कई रास्ते आपके लिए खोने वाली। फिलहाल आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिएगा, अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप अगला स्टेप क्या होता है। वैसे बिहार सरकार आप सभी के लिए तत्पर और तैयार है, एक रोजगार का बढ़िया सृजन कर रही है और उसमें आप सभी का तय है जाना। लेकिन आप अगर सीटेट पास हैं, सीटेट उत्तीर्ण हैं और अगर आपने एस्टेट दिया है तो आपके लिए बढ़िया और एक बेहतर मौका है। फिलहाल हम और आगे चलते हैं। अगर आप नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो इलर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर है, शायद आपके काम आ जाए। नोट संबंधित जितनी भी जानकारी है वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी। और आप वीडियो को अपने साथी मित्रों तक साझा करेगा, अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, कोई सवाल हो तो वीडियो में कमेंट करिएगा। क्योंकि दूसरा फेज की तैयारी हो रही है और इसकी जो परीक्षा है वो अनुमान लगाई जा रही है कि दिसंबर 2023 तक इसकी संभावित जो परीक्षा है वो हो जाएंगी। फिलहाल आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉमन जो पेपर होना है वो 120 का होना, निगेटिव मार्किंग हट चुकी है, जैसा कि आप सभी को विदित हो गया होगा, निगेटिव मार्किंग है नहीं। और यहाँ पर जीएस प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे जीएस प्लस सब्जेक्ट होगा, इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर हम ये कोशिश करेंगे, इसका जो मेन फोकस है खासकर विषयों पर उन पर भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आए। देखिए नोट्स आपको सभी मिल जाएंगे यहाँ पर, आप इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी, मेरी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क रहेंगी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। इसके लिए एनसीईआरटी अहम है, एनसीईआरटी की नोट्स सभी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के पार नहीं हो पाएंगे। आपने भी देखा बीपीएससी का स्टैंडर्ड क्या है, बीपीएससी का लेवल क्या रहता है, तो एनसीईआरटी आपके लिए अहम और महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो सब्जेक्ट होंगे वो होंगे आपके जीएस प्लस सब्जेक्ट, जीएस और सब्जेक्ट होंगे, इन दोनों के नोट्स लेने में दुर्गेश उपलब्ध है। आपने देखा पिछली भर्ती में बिहार स्पेशल सवाल नदारद रहे हैं, लेकिन इस बार हो सकता है पूछे जाएं, क्योंकि बीपीएससी 5 प्रश्नों के साथ 5 विकल्पों के साथ आपके सामने आता है, इसलिए लड़ाई कठिन है। लेकिन अगर आपने मेहनत किया, बहुतों का सिलेक्शन हुआ, लेने पर दुर्गेश से जुड़े सभी साथियों को धन्यवाद और तैयार, आप लोग भी लगे रहेगा, अपना बेस्ट और बेहतर देते रहेगा। मिलते हैं एक नए सेशन एक नए वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएगा, शेयर करते रहिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो लाइक करिएगा, वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा, कोई व्यक्तिगत सवाल कमेंट करिएगा या इलर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।